गुरु जी को प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सिर्फ यही कहूंगी, जब गुरु जी ने बुलाना होता है, जो गुरु जी चाहते हैं वो उसी समय पे होता है। काफी टाइम से अदिति आंटी मुझे बोल रही थी कि वो ऐसा करती हैं और मैं थोड़ा सा हिचकिचा रही थी कि मैं करूंगी कैसे करूंगी, मुझे नहीं पता। तो आई नेवर एक्सेप्ट के ओके आई विल डू इट, इट वाज नेवर लाइक दिस। दिस टाइम शी सेड तुम कर लेना, एंड आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, यू नो, बिकॉज गुरु जी वॉन्टेड कि अब वो हो, तो अब वो हो रहा है। तो दिस इज समथिंग दैट आई बिलीव के जो गुरु जी चाहते हैं, जब वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, तभी चीजें पॉसिबल होती हैं। एंड सत्संग शुरू करूंगी ऐसे कि हम गुरु जी के साथ जुड़े थे 2002-2003 अराउंड। माई डैड पास्ड अवे व्हेन आई वाज इन कॉलेज फर्स्ट ईयर। उसके बाद माई मॉम और शी हैड टू स्टार्ट, मतलब वो हाउस वाइफ थी हमेशा से, बट देन शी हैड टू टेक ओवर एंड शी स्टार्टेड। तो उनकी फ्रेंड ने उनको बताया था गुरु जी के बारे में, और हम जब वो पहली बार गई तो उन्होंने बताया, आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि गुड़िया बहुत आनंद आया था, बहुत शांति कि तुम साथ चलना। ठीक है, बच्ची थी मैं, मुझे भी ज्यादा कुछ ऐसे पता नहीं था, पर हाँ क्योंकि मम्मा ने शेयर किया था तो मैंने कहा ठीक है चलूंगी, और मैं जाना शुरू किया। जब हम किसी को ऐसे स्वरूप में देखते हैं, जैसे मतलब यू नो ह्यूमन फॉर्म में, हमने गुरु जी को जब देखा था तो एक देखा था कि कोई हाँ इंसान है, ऐसे ही देखा था। तो उनको हम उस समय ऐसे ही देखते थे और वही समझते थे, ठीक, मतलब जो वहां जाते थे सब लोग अपने सत्संग शेयर करते थे तो लगता था कि हाँ कुछ तो पावर है, शांति बहुत मिलती थी। बट उस समय ये नहीं पता था कि ये इंसान नहीं है, ये भगवान है, ये साक्षात भगवान है, तब नहीं पता था। ऑनेस्टली बोलूंगी ऐसे नहीं लगा था, वो रियलाइजेशन, वो चीज रियलाइज होने के लिए कि ये भगवान है, बहुत बहुत टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। गुरु जी को, जैसे गुरु जी बोलते थे कि बाहर जूते और दिमाग बाहर छोड़ के आना आया करो, दिमाग जूते बाहर छोड़ते थे पर दिमाग साथ में लेके जाते थे, इसीलिए इतना टाइम लगा। अगर दिमाग पहले ही छोड़ा होता तो आई एम श्योर वो जल्दी रियलाइजेशन हुआ था। नेवरदलेस जब गुरु जी ने चाहा तो तभी होता है, और धीरे धीरे पता चल गया कि नहीं, ये एक कोई साधारण इंसान नहीं है, ये भगवान है। ये भगवान है जिनके सामने हमने माथा टेका, जिनको हमने टच किया। और अब भी सच बताऊं, कई बार ऐसा लगता है कि क्यों उस समय गुरु जी से ये सब नहीं बोल पाई, क्यों नहीं बोल पाई। जब गुरु जी ने चोला छोड़ा था तब लगा था, तब पता लगा था कि अब क्या होगा, यू नो, कुछ भी होता था लगता था मंदिर जाएंगे और गुरु जी को वहीं पीछे बैठ के बता दूंगी जो भी होगा। जब गुरु जी ने चोला छोड़ा था तब लगा था कि यार अब क्या करेंगे, अब कौन है, अब तो कोई भी नहीं है। धीरे धीरे लगा कि जरूरत ही नहीं है, अब तो गुरु जी सबके साथ हैं, सबके पास हैं, जब चाहो जहां बैठे ही कनेक्शन की जरूरत है, एंड दैट्स अबाउट इट। बिलीफ की जरूरत है, कनेक्शन की जरूरत है, वो सब सुन रहे हैं, वो सब टाइम हमारे पास है। हमारी छोटी से छोटी जो जिद होती है, चीजें होती है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, वो सब सुन रहे हैं, वो सब चीजों को सॉल्व करते हैं। जब उनको लगता है हमें स्ट्रेंथ देनी है, ही गिव्स अस टाइम, और हमें स्ट्रॉन्ग बना के उस चीज को सॉल्व करते हैं। कई चीजें होती है वो फट से कर देते हैं, उनको पता है किस टाइम पे हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंगली वो हमें देते हैं। ठीक है, अपना सत्संग जैसे मैंने शेयर किया, बैड नहीं थे, आई वॉज डूइंग माई बी एल एड। जब मेरा खत्म हुआ, गुरु जी की ब्लेसिंग से एक अच्छे स्कूल में मुझे जॉब मिल गई और मैं वहां पे करने लगी। बचपन से एक ख्वाहिश थी कि बहुत पढ़ू, पढ़ने का शौक था कि पढ़ू बहुत, ऐसा कुछ बहुत बनना कुछ नहीं था, पर था कि हाँ पढ़ना बहुत है। पर जब जॉब स्टार्ट करनी पड़ी तो लगा कि अब कैसे होगा, बट ट्रस्ट मी, गुरु जी को पता था मुझे क्या चाहिए। जॉब के साथ साथ उन्होंने मेरी पढ़ाई करवाई, मैंने अपनी मास्टर्स करी, फिर कुछ साल बीते, लगा कुछ और करूं, फिर थोड़ी और पढ़ाई की, फिर लगा कि नहीं, ये कुछ गुरु जी ने जरिया बनाया, ऐसा बनाया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से मुझे एमफिल करने का मौका मिला। और मैं सच बताऊंगी, जिस बुक में से मैं पढ़ रही थी, दैट्स लाइक अ हेल्प बुक, क्योंकि व्हेन यू डू समथिंग फ्रॉम ओपन यूनिवर्सिटी से आप करते हो तो उस तरह का आपको एक्सपोजर नहीं मिलता। मैंने जिस यूनिवर्सिटी से किया था मास्टर्स इन सोशल वर्क, वो तब वहां स्टार्ट हुआ था, तो
मुझे ज्यादा नहीं पता था, एग्जाम्स क्लियर किए थे, बुक्स पढ़ के कंटैक्ट क्लासेस अटेंड करके और वो किया था। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी इंस्टीट्यूट में मुझे एडमिशन मिलेगा। ट्रस्ट मी, मैंने इंटरव्यू में बताया, उन्होंने मुझे पूछा कौन सी बुक्स पढ़ते हो, मैंने बताया मैंने ये बुक पढ़ी है। एंड आफ्टर आई क्लियर द इंटरव्यू एंड ऑल, मेरा एडमिशन हुआ, तो एक बार फ्रेंड्स से मैं बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, मैंने बोला ये पूछा था, मैंने बताया मैंने ये बुक पढ़ी है, एंड दे वर लाइक व्हाट आर यू टॉकिंग, आई मीन यू डिड यू नेम दैट बुक इन फ्रंट ऑफ ऑल द फैकल्टी मेंबर्स, आई सेड हाँ क्योंकि मैंने यही पढ़ी है। तो लाइक कि तुमको एडमिशन मिला कैसे, दे ऑल हेटेड दैट राइटर, दे ऑल हेटेड दैट बुक, कि ये क्या बस एक वो बना दिया है एक पूरे कोर्स के लिए। दे वर लाइक कि तुम्हें एडमिशन मिला कैसे जब तुमने ये नाम लिया है। एंड आई न्यू कि मैं कहां से आई थी, मैंने किस तरह की मेरी प्रिपरेशन थी, कि मुझे पता है कि मेरा एडमिशन गुरुजी ने करवाया था। नॉट जस्ट एमफिल, ही ऑल्सो मेड श्योर दैट आई गेट इन टू पीएचडी। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी के लिए एडमिशन अप्लाई किया, उम्मीद नहीं थी मतलब, बट ये था कि नहीं करना है तो ट्राई तो करना है। एंड आई कुडंट गेट थ्रू, ठीक है, वहां पे लिमिटेड सीट्स होती है, मेरे नहीं आया, टीचर्स ने वहां पे बोला कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। काफी डिसअपॉइंट हुई, बट गुरुजी ने कुछ और सोचा हुआ था। दैट ईयर नेट भी क्लियर हुआ विद जेआरएफ, आई मीन विच इज अगेन अ मिरेकल फॉर समबडी लाइक मी, यू नो मेरा ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं था। एमफिल के टाइम पे प्रॉब्लम भी बहुत थी, जो अगेन एक अलग सत्संग है विच आई एम गोइंग टू शेयर, बट ये सब होते हुए भी पीएचडी में एडमिशन मिला, वो गुरुजी की कृपा के बिना कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी, आई नो मैं कितना अपनी तरफ से पूरा दिया, बट आई न्यू वेयर आई स्टूड। उसके बावजूद मेरा नेट क्लियर हुआ विद जेआरएफ, दिस इज नथिंग लेस देन अ मिरेकल, एंड आई नो हू डिड दैट फॉर मी, एंड वो सिर्फ मेरे गुरुजी थे जिन्होंने मुझे वहां पहुंचाया। उसकी वजह से दैट ईयर व्हेन आई वांटेड दैट एडमिशन, वो मेरा एडमिशन हुआ उसमें। अच्छा, जब मैं एमफिल कर रही थी, ये तो गुरुजी ने जो मैं चाहती थी धीरे धीरे से वो सब मुझे दिया। जब मैं एमफिल कर रही थी तब मेरी मॉम को कैंसर डायग्नोस हुआ। आई एम द एल्डेस्ट, मतलब मेरा छोटा भाई है, माई मॉम एंड मी। तो कैंसर जैसी चीज घर में आ गई, ऑब्वियसली बहुत बहुत घबरा गई थी, क्या करे, बहुत इधर उधर हाथ पैर, आई हैड फ्रेंड्स हु वर डॉक्टर्स, इधर उनकी हेल्प से हम जहां मैरोली में रहते थे, तो मेरी फ्रेंड किसी कैंसर इंस्टीट्यूट जो दिलशाद गार्डन है उसके पास उसका हॉस्पिटल था, शी टोल्ड मी वो वहां करवाएगी। ठीक है, स्टार्ट हुआ किसी तरह से, बट ब्रदर वॉज लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। मैं एमफिल तब कर रही थी, जॉब से भी छुट्टी मैंने ले रखी थी, तो रोज मम्मा के साथ दिलशाद गार्डन ट्रेवल करना कैसे करना है, दैट वॉज अ बिग टास्क। वहां पे सबने बोला इट्स अ गुड दिस थिंग, उसके अलावा राजीव गांधी था विच वॉज एक्सपेंसिव, तो अगेन वो भी बहुत दूर था, तो लगा कि चलो ये वाला ठीक है, जान पहचान भी है, हो जाएगा स्टार्ट। बट उन्होंने जो ट्रीटमेंट बताई थी, उन्होंने बोला था रोज ट्रेवल करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे चाचू थे जो हमारे साथ करते थे, बट कितना रोज रोज, तो वो भी नहीं सबको छोड़ के नहीं जा सकते थे, क्या करे, इधर उधर हाथ पैर मारने की कोशिश करी थी। सबने बोला एम्स ट्राई करो, एम्स में बट वी ऑल नो कि कितनी वेटिंग होती है, कहीं कुछ नहीं था ऐसा कुछ। तो ऐसा हुआ, बहुत जगह फोन कर रही थी, बहुत फ्रेंड्स को कॉल कर रही थी, इधर उधर उधर, एक दिन परेशान होकर मैंने बोला, मैं लिटरली ऐसे बोला कि गुरुजी मैं क्या कर क्या रही हूँ, मैं ये व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू एंड हु एम आई टू डू एनीथिंग, मैं कर क्या, मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, मुझे नहीं करना कुछ, करने वाले आप हो, आप करोगे। एंड दोज वर माय वर्ड्स, मुझे याद है कि मैं होती कौन हूँ कुछ करने वाली, मैं क्यों इतना हाथ पैर मार रही हूँ, मतलब मैं नहीं करूंगी, ये आप ही करोगे क्योंकि आप ही करने वाले हो। और मैंने उसके बाद थोड़ा छोड़ दिया। ठीक है, कैसे मुझे एकदम से ध्यान आया उसके बाद अचानक से, कि बहुत साल पहले, आई टोल्ड यू कि आई एम अ टीचर, बहुत साल पहले कोई एक बच्चा था मेरी क्लास में जिसकी मॉम एम्स के एडमिन डिपार्टमेंट में थी, तो अचानक से मुझे याद आता है कि ओ यस, युविका की मॉम एम्स में थी, उन्होंने कहा था मैम कभी भी कुछ हेल्प हो आप बताना। एंड आई देन यू नो कि अच्छा हो सकता है उनका नंबर मेरे को मिला, बहुत आसानी से मुझे याद आया उनका नंबर किससे मिल सकता है, उनसे नंबर मिला, उनको मैंने कॉन्टेक्ट किया,
फिर उन्होंने बोला भावना मैम आपके लिए कुछ भी आप बताइए तो सही। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, जो यहाँ के बेस्ट डॉक्टर है मैं उनसे आपकी मॉम की अपॉइंटमेंट करवाऊंगी। उन्होंने करवाया, फिर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में somehow वहां पे भी एक फ्रेंड के फ्रेंड थे उनके थ्रू हुआ, एंड देन द इंटायर प्रोसेस वो इतनी जल्दी स्टार्ट हो गया। एक के बाद एक चीज जो पहले बहुत मुश्किल लग रही थी वो अचानक से कोई ना कोई जुड़ता गया, कोई ना कोई गुरुजी किसी ना किसी को भेजते गए है, और वो पूरा प्रोसेस वो इतना इजी हो गया। मतलब आप मानेंगे नहीं, हर मंडे मम्मा को कीमो होती थी, ओके, रेस्ट ऑफ द डेज रेडिएशन होती थी, हर मंडे मम्मा को कीमो होती थी, और हर कीमो के बाद हम मंडे को गुरुजी के मंदिर जाया करते थे। किसी ना किसी को गुरुजी जरूर भेजते थे कि हम मंडे को आफ्टर कीमो, एम्स में कीमो के बाद पूरा दिन स्पेंड करने के बाद, हम जब तक मम्मा की ट्रीटमेंट चली, हर कीमो के बाद गुरुजी का मत्था टेकने मंदिर जरूर जाया करते थे, और हमें कोई ना कोई ऐसे लोग मिलते गए। हम आई स्टिल बिलीव जो मम्मा के उस समय डॉक्टर थे, ही वाज अ जूनियर डॉक्टर रेजिडेंट दैट टाइम, ओके, बट वो गुरुजी ने उनको भेजा था, और हम उनको बोलते थे हर प्रॉब्लम में, वो मम्मा को इमोशनली भी सपोर्ट करते थे, बहुत समझाते थे, क्योंकि वो बीइंग अ सिंगल मदर शी वाज वेरी वेरी स्केयर्ड कि मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे रुल जाएंगे, उनको हमेशा लगता था। तो वो डॉक्टर उनको समझाते भी थे और कैसे, और हम उनको ये बोला था कि आपको हमारे गुरुजी ने भेजा है, एंड गुरुजी आपको जरूर ब्लेस करेंगे जिस तरह से उन्होंने हर चीज में मम्मा का साथ दिया। और अब वो एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े हॉस्पिटल में, इट इज एट अ वेरी गुड पोजीशन, एंड वी ऑलवेज ही इज ऑलवेज देयर इन आवर प्रेयर्स, एंड वी बिलीव कि गुरुजी ने ही उनको भेजा था, और वो जिस ऊंचाई पे पहुंचे हैं चौल गुरुजी ब्लेसिंग। सो इस तरह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे लिए वॉज नॉट ईजी, वो गुरुजी ने एक के बाद एक ऐसा रास्ता बनाया जो बिल्कुल बहुत आसानी से, आसानी इन द सेंस जिस तरह से हम सोच रहे थे, गुरुजी ने उसको बहुत आसान कर दिया हमारे लिए। और पूरा ट्रीटमेंट के बाद मम्मा ठीक है, और इट्स बीन नाउ 10 इयर्स हो गए मम्मा को, दैट वाज इन 2010 इट वाज डायग्नोज, और अब 10 इयर्स हो चुके हैं, एंड बाय गुरुजी ब्लेसिंग, बाय गुरुजी ग्रेस, शी इज ऑल फाइन, शी इज ऑल फाइन। और अभी वो मंडे को डुगरी भी होके आई है, सो दैट इज गुरुजी's ब्लेसिंग और नथिंग 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 एल्स। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जब एमफिल हो रहा था, देन आई गॉट मैरिड, फिर मेरा बेटा हुआ पीएचडी के टाइम पे भी साथ में, तब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है, कुछ ना कुछ हो रहा था, परेशान थी आफ्टर पोस्ट डिलीवरी एंड ऑल। तो एक दिन लाइक कि गुरुजी कहाँ फंसा दिया ये आपने, मतलब क्यों, बहुत परेशान थी जब डिलीवरी के बाद। तो गुरुजी रात में जब सोई तो गुरुजी दर्शन देते हैं और मुझे बोलते हैं फॉर माय सन कि ये मेरा पुत्र है, इसका ख्याल रखी। और उसके बाद आई सेड ओके आई एम सो सॉरी गुरुजी कि अब मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि आपने दिया है मुझे जो ब्लेसिंग दी है उसके लिए मैं ऐसे नहीं बोलूंगी, क्योंकि तब मैं बहुत परेशान होती थी उन दिनों, ये बात को बिल्कुल नहीं सोता था, मैं बहुत इरिटेटेड होती थी, बहुत फिजिकली भी थी। तो बट जब गुरुजी ने उस समय दर्शन देके बोला कि ये मेरा पुत्र है, इसका ख्याल रखी, उसके बाद मैंने बोला ओके गुरुजी, ऐसा नहीं है मुझे वो तंग नहीं करता, अभी भी तंग करता है। तो मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी अपने पुत्र को खुद संभालो, भैया मुझसे नहीं संभलता ये, तो मैं उन्हीं को बोलती हूँ कि आप संभाल लो अपने पुत्र को, ये मुझे बहुत तंग कर रहा है। सो एंड ही इज टेकिंग गुड केयर All times. Okay, तो ऐसे जैसे ये तो जैसे बड़ी, हम बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में नहीं, हाँ छोटी छोटी चीज भी सुनते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठी थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी यू डोंट लव मी एनी मोर, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे प्यार करते हो, आई डोंट थिंक सो, ओके इफ यू लव मी यू हैव टू टेल मी, से टू मी दैट यू लव मी। मतलब मैं उस समय बहुत हो गई थी, मैंने कहा नहीं आप मुझे बोलो कि आप मुझे प्यार करते हो, आई वॉन्ट टू हियर इट फ्रॉम यू, बहुत हो गया। एंड ट्रस्ट मी, मैं अपना ये बोल के मतलब गुस्से में थी, और जैसे मैंने अपना फोन खोला, काफी गुरुजी के ग्रुप्स में हूँ, तो जो सबसे पहला ग्रुप खुलता है, जो सबसे पहला मैसेज खुलता है, उस पर लिखा था गुरुजी से आई लव यू, एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, यू नो अभी भी लाइक आई फील ही इज लिसनिंग। मैंने उनको बोला मुझे बोलो, एंड दिस इज हाउ ही टोल्ड मी दैट ही लव्स मी,
उस मैसेज में लिखा था गुरु जी से आई लव यू इनवर्टेड कॉमर्स में, पर आगे मैसेज था और वो अभी भी मेरे पास मैसेज मैंने सेव करके रखा है कि यस गुरु जी देयर इज लिसनिंग टू मी, मतलब ऑल द टाइम, नॉट जस्ट मी बट एवरीबडी, ऑल ऑफ अस वर कनेक्टेड विद हिम, वी जस्ट हैव टू बिलीव इन हिम. अगर हम उससे कनेक्टेड है, वो हमारी हर एक छोटी से छोटी चीज, हर छोटी बात, हर एक्शन, सब कुछ वो हमारा देख रहे हैं और हमारा सुन रहे हैं. सो यू नो हर चीज का आंसर वो हमें देते हैं. फिर ठीक है, लॉकडाउन में सबके साथ प्रॉब्लम आई, मेरे साथ भी आई, काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई. इनफैक्ट कहीं मुझे लगता था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं बहुत यू नो पीपल टेक मी फॉर ग्रांटेड ऐसे करके लगता था. एंड एक दिन मैं बहुत परेशान थी, तो मैंने ना लिखा गुरु जी के लिए, मतलब कुछ दिन जैसे बहुत ज्यादा परेशान थी तो मैं लिखती थी कि गुरु जी प्लीज हेल्प मी, गुरु जी ऐसे ऐसा हो रहा है, कि साथ यू नो जर्नल राइटिंग में गुरु जी को एड्रेस करके आई वुड राइट. तो एक दिन मैंने लिखा गुरु जी प्लीज प्लीज, बहुत ज्यादा जब मैं हेल्पलेस थी तो मैंने कहा प्लीज प्लीज हेल्प मी, आई डोंट वांट दिस, लाइक अदरवाइज आई विल नॉट बी एबल टू टेक इट, या तो मुझे मतलब ना इधर या उधर, अब मैं नहीं होगा. तो कैसे, जैसे मैं बोलती हूँ गुरु जी सेंड यू पीपल, वो ही भेजते हैं आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी को, हमें सिर्फ उनको पहचानना है. सो वन ऑफ माई फ्रेंड शी डिड सम काउंसलिंग का, उसने कुछ थेरेपी का कोर्स किया और वो मुझे कॉल कर रही बहुत सालों बाद, बहुत टाइम बाद बात हुई. बात करते करते उसने बोला कि उसने ऐसे कुछ किया है. तो आई टोल्ड हर अच्छा तो कैन यू हेल्प मी, मतलब तो शी सेड या व्हाई नॉट. एंड ट्रस्ट मी, उसके साथ जो मेरा थेरेपी का जो चला, एक मतलब आई हैव सीन माय फ्रेंड्स हू नो मी, उनको पता है कि कितना मतलब चेंज आया है मुझ में उसके बाद. और मैं उस दिन वो अपना जर्नल पढ़ रही थी जिसमें मैंने लिखा था गुरु जी प्लीज मेरी हेल्प करो, तो गुरु जी ने उसको भेजा ताकि मेरी हेल्प हो सके, कि मैं जो इतना हेल्पलेस फील कर रही थी, मैं जो इतना वीक फील कर रही थी, आई फेल स्ट्रेंथेंड अगेन, आई फेल स्ट्रॉन्ग अगेन. और फिर मैंने जब वहां उसके नीचे शुक्राना लिखा, शुक्राना गुरु जी की आपने रिंकी को मेरे लिए भेजा, और नाउ यू नो आई नो आई कैन फील दैट चेंज एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज यू सेंट हर टू मी. नहीं तो मैंने उसको कॉन्टेक्ट नहीं किया था बहुत ईयर से, मतलब बहुत मन से हमारी बात नहीं हुई थी, मुझे नहीं पता था उसने ऐसा कुछ कोर्स किया है, ऐसा कुछ भी नहीं था. बट बिकॉज यू न्यू दैट आई नीडेड हर, ओके, दैट्स व्हाई यू सेंट हर टू मी. सो इट वॉज ऑल गुरु जी ब्लेसिंग्स. उसके बाद एक रिसेंट सत्संग शेयर करती हूँ. पूरे लॉकडाउन के टाइम में ऑब्वियसली कहीं सत्संग पे नहीं जा पा रहे थे, अभी तक मंदिर भी नहीं जा पाई हूँ. तो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड एक सिस्टर, उनके घर में सत्संग था, थोड़ी गैदरिंग थी, तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि यस फाइनली मैं गुरु जी सत्संग अटेंड करूंगी. बहुत एक्साइटेड, अच्छा नया गुरु जी का सत्संग है, न्यू ड्रेस भी पहननी है, कुछ नया तो पहनना है, जाके लेके आई कि जाना है. सब घर में बोल दिया कि मैं जाऊंगी, एक ड्राइवर को भी बोल दिया था कि बिना टेंशन के आराम से जाऊंगी, आराम से आऊंगी, कोई टेंशन से, क्योंकि गुड़गांव से नोएडा ट्रेवल करना था तो थोड़ा टेंशन भी था, इसलिए था कि कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. तो ड्राइवर को भी बुला लिया था कि मैंने जाना है मंडे सत्संग का टाइम है. ओके, संडे को आराम से बैठे हुए थे घर में, अचानक से कोई कहीं बाहर जाने का कोई प्लान नहीं था, अचानक से हस्बैंड वाज लाइक कि माय फ्रेंड्स दे वांट कि मेरे को बुला रहे हैं कहीं पे. मैंने कहा चलो, उनका बिल्कुल मन नहीं था, जैसे लाइक गोइंग आउट. सो हमने कहा नहीं नहीं चले जाओ, जाने में क्या है, जाना चाहिए. मैं सन ऑल्सो जल्दी पापा मेरे को बुलाते तो मैं तो जरूर जाता, अब चले जाओ. देखो मैंने ऐसे बोला, उन्होंने कहा चलो कैब करके चला जाता हूँ. मैंने बोला नहीं, हम ड्रॉप करके आ जाते हैं, घर में तो बैठे हैं, इसमें क्या है, हम चलते हैं. हमने कहा अच्छा ठीक है. उन्होंने कहा ठीक है ड्रॉप कर देना. गाड़ी चलाई तो देखा कि ब्रेक में ना कुछ आवाज है. ये ब्रेक में आवाज क्यों हो रही है? राहुल ऐसे कुछ होगा, कुछ फंस गया होगा, डोंट वरी. राहुल को पास में जाना था, उनको ड्रॉप किया. तो मुझे ना ठीक नहीं लगा कि ब्रेक की बात है, आई जस्ट डोंट टेक इट लाइटली. मैं वहां से फटाफट घर आके एक भी गाड़ी खड़ी कर सकती थी, मुझे लगा कि नहीं, इट्स अबाउट ब्रेक, आई शुड नॉट टेक इट लाइटली. फिर जिनको मेरे कार की चीजों के लिए जिनको मैं कॉन्टेक्ट करती हूँ, मैंने उनको कॉल किया. तो भैया ऐसे ऐसे ना उसमें आवाज आ रही है. तो ही सेड कि मैडम ये ना कुछ सीरियस भी हो सकता है, किसी मैकेनिक को दिखा दो आसपास. ठीक है, मैंने गूगल किया, वो बहुत पतली पतली लेन्स में से कहीं से मुझे, मेरे साथ मेरा बेटा भी था और कैश, तो कैशू भी था हमारा न्यू मेंबर इन द फैमिली. आप
तो दोनों थे, तो हम मैं उनको लेके चली गई मैकेनिक के पास, पहुंची कि भैया कुछ आवाज आ रही है। उसने कहा मैम इसमें कुछ, उन्होंने बताया कि ब्रेक पैड्स होते हैं वो खत्म हो गए हैं और इसको 2-3 घंटे लगेंगे। अब वो जगह भी थोड़ी ऐसी थी, मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गई थी ढूंढते ढूंढते। आई डोंट वांट टू वेट हियर, कैश था मेरे पास और यूवी भी था, एंड इट वाज अ नोन केस। आई सेड आई कांट वेट हियर। तो मैंने वाकई वो जो मैकेनिक भैया है जिनके पास मैं जाती हूँ उनको कॉल किया, इनका भैया वो तो उनके पास तो नहीं है, मैं क्या करूँ। इसे मैम ब्रेक लग रही है, मैंने कहा लग तो रही है बस थोड़ा मुश्किल से लग रही है आवाज। ओके तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो ये अपना धीरे धीरे चला के ले आओ। अब गुड़गांव में रहते हुए हो गए हैं 2 साल से ज्यादा, बट जगह का कुछ पता नहीं है। GPRS के भरोसे उन्होंने लोकेशन सेंड करी और जय गुरु जी करते करते धीरे धीरे मैं चल पड़ी जहां मैं थी। वहां से जहां मुझे जाना था इट टुक मोर देन 50-55 मिनट्स इट टुक मी, पर जय गुरु जी करते करते धीरे धीरे मैं वहां पहुंची। उन्होंने देखा, उन्होंने बताया मैडम ये तो बहुत मुश्किल काम था, अगर आप कहीं जाते बीच में रुक भी सकती थी, प्लस अगर आप ये चीज नहीं करवाते तो और ज्यादा भी खर्चा हो सकता था जो मुझे नहीं मालूम था ऐसा कुछ। तो फिर वो भैया गए वहां पे, हमें वहां टाइम लगा काफी बिकॉज अगेन ही हैड टू गो एंड गेट दैट पास कहीं दूर से और ट्रैफिक बहुत था। वी वेटेड काफी, यूवी भी बहुत थक गया था, कैश भी, मैं भी बहुत थक गई थी, बट तो वो सब हो गया। शाम को जब घर आए मैंने कहा गुरु जी ये क्या डे था, इतना टायरिंग, में बहुत थक गई थी, तो ये क्यों था। फिर अचानक से मुझे रियलाइज हुआ कि अगर ये आज ना होता तो कल अगर मैं गाड़ी सत्संग में जाने के लिए ऑन करती, सब स्टार्ट करती, तो मैं कैसे करती, यू नो। तो या तो मैं सत्संग पे जा ही नहीं पाती, या मैं बहुत लेट हो जाती, तो बहुत मुझे प्रॉब्लम हो जाती। बिकॉज गुरु जी न्यू हाउ एक्साइटेड वो आई वॉज टू अटेंड दैट सत्संग, कि मुझे जाना ही था वहां पे, मुझे कितना मन था। तो उन्होंने ये सब किया कि मैं उस दिन गाड़ी निकाली और वो मुझे प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम हो के किस तरह से, मतलब एक जो प्रॉब्लम थी वो मेरे सामने आई और वो किस तरह से आराम से किसी को, अदरवाइज ठीक है शायद अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वैसे मुझे कुछ नहीं हुआ, बहुत ईजी बहुत आराम से वो चीज सॉर्ट आउट हो गई ताकि मैं सत्संग अटेंड कर सकूं। सो दैट इज देयर, सो यू नो इट वाज नथिंग बट द मिरेकल फॉर मी, कि उन्होंने ये भी बचाया अगले दिन की प्रॉब्लम से भी बचाया, प्लस क्योंकि उनको मालूम था जो सत्संग में जाना है, ही वांटेड मी टू अटेंड दैट सत्संग, तो उन्होंने ये सब किया ताकि मैं आराम से सत्संग जा सकूं। और मैं फिर नेक्स्ट मंडे सत्संग पे गई और बहुत आनंद आया उस सत्संग में, मैंने बहुत टाइम के बाद जब सत्संग अटेंड किया तो इज रियली वेरी हैप्पी और मैं आराम से फिर घर आई थी। इसीलिए यू नो जब अंकल ने बोला सत्संग बोला आंटी आपको 1 घंटे का, मुझे लगा नहीं मैं 1 घंटे का तो नहीं बोल पाऊंगी, पर जब सोचती थी धीरे 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 मुझे लगा कि अगर मेरे पास टाइम होता तो हम बहुत कुछ ऐसी चीजें सोच सकते थे। जैसे हम सोचते हैं कि इट्स नॉट जस्ट अ बिग थिंग, तो जो बड़ी प्रॉब्लम ठीक है, जो मेरी मामा का कैंसर का हुआ ये सब ये बहुत, और गुरु जी की ब्लेसिंग है, उसके अलावा हर छोटी चीज, हर चीज को जिसको हमने चाहा है, इसकी इच्छा की है, वो गुरु जी हमारी सुनते हैं। मुझे अभी बैठे बैठे से मैं सोची थी तो मुझे याद आया जब हम इनिशियली बड़े मंदिर जाया करते थे, मंडे को वो खुलता था और हम प्रसाद लेके जाते थे। एक दिन मैंने मम्मा को बोला मम्मा आज ना केक प्रसाद लेके जाते हैं, मैंने कहा नहीं बच्चे अलाउड नहीं होता, दूध लेके जाना होता है या समोसा प्रसाद या लड्डू प्रसाद, ऐसे हम ना कृष्ण लेके जाते। तो मैंने कहा नहीं मम्मा ले जाते हैं ना कोई बात नहीं, जैसे नहीं दूध लेके जाएंगे। तो तब बड़े मंदिर में प्रसाद ऐसे जाना अलाउड होता था, ठीक है हम उतना ले गए। जब वहां पहुंचे वहां पे कोई वहां पे प्रसाद में उस दिन कोई केक लेके आया हुआ था, मम्मा वो लाइक देखते तो खाना था ना केक, भेज दिया गुरु जी ने केक। तो वो मुझे अभी याद आया जबकि वो बहुत पुरानी ऐसा चीज थी, बट इट्स लाइक आई से कि हर छोटी से छोटी चीज को गुरुजी सुनते हैं और उनको पता है हमें क्या चाहिए और सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या अच्छा है, ये उनको पता है। दैट्स द थिंग, ऐसा नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती या इश्यूज नहीं होते, बट यस ही इज देयर गाइडिंग अस ऑल द टाइम, लुकिंग आफ्टर अस ऑल द टाइम, यू नो। ऐसा एक भी मोमेंट नहीं होता कि उनको ना पता हो कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। He knows everything. We just need to believe and surrender completely.
That's it. जय गुरु जी।